खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है और अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कुछ देर में तलब कर लिया है। केस की समाअत के दौरान अदालत ने यह इस्तफसार किया कि क्या दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक किस तरह है, दरख्वास्त गुजार अगर मुतासरा फरीक नहीं तो ये दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं। इस मुतालिक मजीद बात करते हैं नुमाइंदा जीएनएन इबादुल हक से। जी बात बताइएगा समाअत का अहवाल। जी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने इस दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त मकामी शहरी मुनीर अहमद ने अदर सदीक एडवोकेट के तवस्सुल से दायर की थी। समाअत के दौरान अदालत ने ये निशानदेही की कि ये दरख्वास्त गुजार किस तरह मुतासरा फरीक है, अगर ये मुतासरा फरीक ही नहीं है तो किस तरह ये दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से जी ठीक है अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।